क्या घटना हुई है और ऐसा क्या हुआ जो आपके नवरात्रि बंद हो गई? हमारी नवरात्रि एकदम अच्छे से चल रही थी, वहाँ पे आपके जबरदस्ती वो घुस गए और बोले कि हमारा स्वागत करो, हम लोग हमारे काम में बिजी थे और अंदर आके जबरदस्ती मारा मारी की। हमारे ऊपर जेंट्स और लेडीज ने हाथ उठाया और मेरे हस्बैंड को मारा, उनके ऊपर भी हाथ उठाए। सब गलत किया उन्होंने, ये सब नहीं होना चाहिए। मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं, हम लोग फैमिली वाले, फैमिली फंक्शन कर रहे। किस किस कारण की वजह से हाथ उठाया ये? बस उन्होंने हमारा सम्मान करो, हम आए तो पब्लिक के सामने हमारा सम्मान करो। तो आपके ऊपर हाथ उठाने वाले पुरुष पुरुष भी थे जो आपके करीब आए थे? लेडीज भी थे, जेंट्स भी, पांच छह जेंट्स ने हाथ उठाया और लेडीजों ने भी बहुत मारा हम लोग को। दिनेश जी, आप सिटिंग नगर से हो गए, आपकी नवरात्रि थी, क्या आपने उनको बुलाया था? नहीं सर, हमने उनको कोई न्योता नहीं दिया था। हमारे इंदिरा बंदर के जो डिंपल मेहता जी है महापौर, अभी उनका ऊपर आए थे, उनके हम स्वागत कर रहे थे तो वो अचानक अपने कुछ बॉन्सरों के साथ में लेके स्टेज पर दम दम घुस गए। तो फिर हमने बोला कि हमने तो आपको बात ही नहीं किया हमने उनसे। फिर हम हमारे वो जो उनका स्वागत होगा महापौर मैडम का, तो हमने राष्ट्र अपना संगीत चालू किया। संगीत चालू करने के बाद में हमारी प्रथा है कि हम नवरात्रि में, जब नवरात्रि पूरी हो जाती है तो उसके बाद में हम हर दिन राष्ट्रगीत लेते हैं। तो हमने राष्ट्रगीत शुरू किया था जनगण मन, तो राष्ट्रगीत को बीच में रुका के माइक खींचा, माइक छोड़ा उन्होंने और मेरे को यहाँ पे नपुंसक से दो तीन लेडीजों ने मेरे ऊपर हाथ डाला और फिर मेरे कुछ कार्यकर्ताओं ने भी मुझे नीचे उतार दिया और उनके जेंट्स लोग भी बहुत सारे थे, बॉन्सर थे, 10-12 जेंट्स थे सर, और लेडीजों को वो लाके हथियार ढाल बना के हमारे ऊपर बहुत किया। और हमारे मीरा रोड के अंदर, मीरा बंदर के अंदर, वहाँ पे वो फैमिली नवरात्रि, वहाँ सब लेडीज छोटे छोटे बच्चे आते हैं। आज 5 साल से वहाँ पे इतना क्राउड रहता है, आज तक एक सिंगल कंप्लेंट नहीं आई है। इतनी शांति से हो रही है, इन्होंने पहली बार लोगों में एक दहशत का माहौल वहाँ पे पैदा कर दिया है। अभी लोग वहाँ डर रहे थे, रो रहे थे, बोलते भैया अपनी नवरात्रि में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बोला कि हमने नहीं बुलाया, लेकिन वो क्यों राजकारण के लिए कर रहे पता नहीं सर।